अजय भाई स्क्रीन आ गया। हाँ सर, आ गया। चलिए ग्रेट। तो अजय भाई, जिस काम के बारे में हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। और वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस। अभी अजय भाई, आज की तारीख में सिचुएशन ये है, हर आदमी सक्सेस के लिए दौड़ रहा है। सब लोगों को लाइफ में सक्सेस चाहिए, लेकिन सब लोगों का सक्सेस को लेके ना मानना अलग अलग है। कुछ लोग जॉब को सक्सेस मानते हैं, कुछ लोग हेल्थ को सक्सेस मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोगों का मानना है कि लाइफ में पैसा है तो सक्सेस है। जी इसीलिए हर सर, आदमी पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन सच बात यह है कि हर आदमी पैसा कमा नहीं पा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो पैसा कमा पा रहे हैं, बाकी मैक्सिमम लोग तो सिर्फ गुजारा कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैक्सिमम लोग सिर्फ गुजारा कर रहे हैं? यदि ये चीज हमें समझ में आ गई कि कौन लोग हैं ज्यादा पैसा कमाते हैं और कौन लोग हैं जो सिर्फ गुजारा कर पा रहे हैं, यदि ये बात हमें समझ में आ गई तो फिर हम भी खूब पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए मैं आपको रेफरेंस देना चाहूंगा। सबसे पहले अमेरिका के एक इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। बहुत ही फेमस बुक है और इसी का सेकंड पार्ट है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारा समाज इनकम के आधार पर चार भागों में बटा हुआ है। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। जिसमें से एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ये लोग 95% है, जबकि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स सिर्फ 5% है। लेकिन पैसे के मामले में आप देखोगे ना तो ये बिल्कुल अपोजिट है। 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? तो इसके पीछे रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि ये जो 95% लोग हैं, ये जिंदगी भर अकेले अकेले काम करते हैं, जिसकी वजह से इनकी लिमिटेड इनकम होती है और एक्टिव इनकम होती है। मतलब काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, ये लोग हमेशा टीम वर्क करते हैं और इसीलिए इनकी इनकम अनलिमिटेड होती है और इनकी इनकम पैसिव होती है। पैसिव का मतलब ये काम नहीं भी करेंगे तो भी इनको पैसा आते रहेगा। अभी देखिए, मैक्सिमम लोग कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? 95% जाना चाहते हैं 5% में, लेकिन जा नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनली 95% से 5% में जाने के लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी हैं चार चीजें? नंबर एक इन्वेस्टमेंट, नंबर दो एक्सपीरियंस, नंबर तीन नॉलेज एंड नंबर चार रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और ये चारों चीजें नॉर्मली एक इंसान के पास होती नहीं है, जिसकी वजह से वो 95% से 5% में नहीं जा पाता है। अब फिर सवाल ये उठता है कि तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पूरी दुनिया में एक काम ऐसा है जो आपको इन चार चीजों के बिना भी 95% से 5% में ले जा सकता है। ऐसा एक काम है पूरी दुनिया के अंदर, उस काम को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या है? इसे एक्चुअली पूरी दुनिया में फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है। इसे समझने के लिए पहले थोड़ा सा आपको समझना होगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को। देखिए आज क्या हो रहा है, कोई भी प्रोडक्ट एक मैन्युफैक्चरर बना रहा है, हम और आप कंज्यूमर उसे इस्तेमाल करते हैं। सामान मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक एक चैनल के माध्यम से पहुंचता है, साथ में लग जाता है विज्ञापन। 4 रुपए की बनने वाली कोई भी चीज 10 रुपए में ग्राहक को मिलती है और 40 से 60% पैसा इस चैनल में और विज्ञापन में चला जाता है। बात सही है? अब देखो बिल्कुल सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से उठाया जा रहा है और कंज्यूमर तक कंज्यूमर के माध्यम से ही पहुंचा दिया जाता है। और यहां सबसे अच्छी बात यह है अजय भाई कि यहां हर एक कंज्यूमर कंज्यूमर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाता है। यानी जो भी बिल्कुल व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में कंज्यूमर बनता है उसको डिस्ट्रीब्यूटर के भी राइट्स मिल जाते हैं, यानी वो भी आगे को एज ए डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसा कमा सकता है। और यहां इस्तेमाल किया जाता है वर्ड ऑफ माउथ, जिसको बोलते हैं मुख प्रचार। इसको बोलते हैं मुख प्रचार, राइट?
अब देखिए फायदा क्या हो रहा है, वो 40-60% पैसा जो वहां ट्रेडिशनली एक चैनल में जा रहा था, वो पैसा बचाकर हमारे और आपके बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, आपकी और हमारी मेहनत के आधार पर। इसी को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अभी जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। क्यों है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी? देखिए, सबसे पहला कारण, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, इसीलिए कोई रिस्क नहीं है। दूसरी चीज, इस काम को करने के लिए कोई शॉप या ऑफिस नहीं चाहिए। तीसरी चीज, इस काम के लिए कोई एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है। आप कम पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो। उसके बाद, अकाउंटिंग आपको मेंटेन नहीं रखनी है, वो सारा काम कंपनी का है, अकाउंट्स कंपनी मेंटेन करती है। टाइम कितना देना है ये भी आपकी मर्जी है, आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, फुल टाइम करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है। यहाँ टाइम का कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको इतना टाइम देना ही देना है। इसके अलावा एग्जिट बैरियर नहीं है, यदि आप 1% इस काम को नहीं कर पा रहे हो तो आप इजिली एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि आपने कुछ लगाया नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये वुमन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत बढ़िया काम है, यानी महिलाएं भी इस काम में बहुत बढ़िया से पार्टिसिपेट कर सकती हैं। यदि हमारे घर में कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भी कुछ करना चाहती है, तो हम उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। यही वो सारे कारण है जिसकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग को पूरी दुनिया में सबसे सेफ और बेस्ट माना जाता है। और ये बात सिर्फ मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, आज दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज इस बात को बोल रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये दुनिया के सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इस बिजनेस को हमें करने की सलाह दे रहे हैं, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बिल क्लिंटन हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे डॉक्टर स्टीवन आर कवी हो, चाहे वॉरेन बफे हो, रॉबर्ट ई कियोसाकी हो, ये सब लोग बोल रहे हैं ये काम आपको, हम लोगों को करना चाहिए, बढ़िया काम है। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। देखिए, ऑफिशियली इस बिजनेस की शुरुआत हुई थी 1945 में अमेरिका से। आज ये बिजनेस लगभग 170 से ज्यादा देशों में चल रहा है। और यदि हम सालाना टर्नओवर की बात करें तो ये 2019 के आंकड़े हैं WFDSA के, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। WFDSA ने कुछ आंकड़े दिए जिसमें इन्होंने बताया कि 2019 में डायरेक्ट सेलिंग का एक साल का टर्नओवर था 18.05 लाख करोड़, एक साल का टर्नओवर, जिसमें सबसे बड़ा टर्नओवर किया अमेरिका ने 2,60,000 करोड़ का। उसके बाद पे चाइना 2.5 लाख करोड़, कोरिया 1,20,000 करोड़, जापान 1,07,000 करोड़, मलेसिया 38,655 करोड़। और यदि आप इंडिया को देखें तो इंडिया का 2019 का टर्नओवर था मात्र 13,591 करोड़। कितना? 13,591 करोड़। ये एक साल का टर्नओवर था 2019 का इंडिया का, यानी आप देखें तो अमेरिका हमसे 20 गुना ज्यादा बिजनेस कर रहा था, 20 गुना ज्यादा। और जबकि पॉपुलेशन के मामले में वो हमारा 1/4 भी नहीं है। कहने का सिर्फ एक मतलब है कि अभी पूरा हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के लिए भी खाली पड़ा है, और अब ये बिजनेस हिंदुस्तान में रफ्तार पकड़ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं 2021 के आंकड़े, देखिए आप, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर इंडिया में हो गया 18,067 करोड़, 2022 का टर्नओवर हो गया 19,020 करोड़, और 2023 जो अभी चल रहा है, जो मार्च में ईयर कंप्लीट होगा, अब तक लगभग 30,000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 30,000 करोड़। अब आप अंदाजा लगा रहे हो कितनी तेजी से ये बिजनेस इंडिया में ग्रो करता जा रहा है, और आज इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ाया जाना चालू कर दिया है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम ऑनर्स में पढ़ाया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर सालुनी यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा स्टार्ट कर दिया है डायरेक्ट सेलिंग में, और कई सारी यूनिवर्सिटीज BBA MBA में डायरेक्ट सेलिंग को पढ़ा रही है। कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमारे कैरियर के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सवाल उठता है, काम स्टार्ट कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले हमें इसके लिए आवश्यकता होती है एक सही कंपनी का सिलेक्शन करने की। सबसे पहले कंपनी सिलेक्ट कीजिए,
उसके साथ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और काम की शुरुआत कीजिए। अभी कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए कुछ चीजों की जानकारी लेना जरूरी है, जैसे कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या है, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम क्या है, उसके अलावा कंपनी के मैनेजमेंट और लीडर्स कौन है, और छठवीं चीज, यदि हम मेहनत करेंगे तो हमें पैसा कब मिलेगा और कितना मिलेगा, यानी कैसे कैसे मिलेगा और कितना पैसा हमें मिलेगा। तो ये छह चीजों की जानकारी हमें लेनी चाहिए। तो चलो अब एक एक करके छह चीजों को समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, तो आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, उस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे के सारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए इन्हें बेस्ट क्वालिटी सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। जैसे जो इनका आयुर्वेदिक ब्रांड है उसको भारत सरकार के आयुष मंत्रालय से आयुष प्रीमियम मार्क मिला हुआ है, अमेरिका की दुन्सुर क्लब से ऑरेक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, FSSAI का सर्टिफिकेट मिला हुआ है जितने भी सप्लीमेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं उनको, और ये सारे के सारे रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। ये डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट लोगों का पूरा पैनल है जो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर रिसर्च करता है। और इन लोगों की मैं बात बताऊं आपको, ये जो डॉक्टर और साइंटिस्ट लोगों की टीम है, ये वो लोग हैं जो पिछले 40-40, 45-45 साल से बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, बलसारा, रैनबैक्सी, इनके लिए प्रोडक्ट्स बनाते थे, ये आज इस कंपनी के लिए सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी होगी। और आपको बताऊं, इस कंपनी का जो ब्रांड है एलिमेंट्स वेलनेस, इस ब्रांड को 2019 में और 2022 में बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड से भी नवाजा जा चुका है, यानी 2022 और 2019 दोनों के लिए इंडिया का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है, राइट? अब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स की, हमारे प्रोडक्ट्स क्या क्या है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, सबसे पहली बात तो आयुर्वेदिक हैं, किसी प्रोडक्ट का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या रिकमेंड करने के लिए हमें किसी लाइसेंस या डिग्री की आवश्यकता नहीं है। प्रोडक्ट्स क्या क्या है एक बार मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारा प्रोडक्ट आता है लिव अगेन, जो कि लीवर के लिए है, हमारे लीवर को फिट रखता है, किसी को भूख नहीं लगती है, पच रहती है, गैस बनती है, इवन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ई इन्फेक्शन पे भी काम करता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए वुमन कंपेनियन है, उनके पीरियड्स को बैलेंस रखने के लिए, हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए, कफ निल आता है खांसी के लिए, किसी भी तरीके की खांसी हो, ब्लड प्यूरिफायर आता है खून साफ करने के लिए, वुन डीलिंग क्रीम आती है वुंड्स के लिए, जल जाए, कट जाए, छिल जाए, नो वेदना जेल आता है पेन के लिए, मैन शक्ति मैन आता है शादीशुदा लोगों में जो जनरल वीकनेस हो जाती है, फाइट स्ट्रेस आता है तनाव झेलने की शक्ति को बढ़ाने के लिए, हमारे STS को बढ़ाने के लिए, नो वेदना कैप्सूल पेन के लिए आते हैं, पेन किलर है मसल्स पेन, जॉइंट पेन, इम्यूनोथे आता है डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, हमारा GI फंक्शन को प्रमोट करता है, वेल हार्ट आता है हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, डेली डिटॉक्स आता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, यह हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को क्लीन करता है, बिलो 37 आता है फीवर के लिए, मेल्ट फैट आता है वेट मैनेजमेंट के लिए, चंपी तेल आता है मालिश के लिए, दर्द है, खिंचाव है, स्किन में इन्फेक्शन है, फीलिंग सिरप एंड कैप्सूल आते हैं हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, यूरी प्लस 3 आता है ये किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए, नेट्शियम ये आता है कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए, साइक्लोवा आता है महिलाओं की PCOD और PCOS की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और एंटी एलर्जी आता है स्किन एलर्जी के लिए, थाई हेल्थ आता है थायराइड के लिए, आयुष्वास आता है अस्थमा के लिए यानी लंग्स हेल्थ को इम्प्रूव करता है ये, तो बायोटिक आता है हमारी आंतों को मजबूत करने के लिए, गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यूरी प्लस टैबलेट्स भी आती हैं हमारे किडनी के स्टोन्स को निकालने के लिए। इसके अलावा पर्सनल केयर की हमारे पास में काफी अच्छी रेंज है, टूथपेस्ट है, फेस वॉश है, फेयरनेस क्रीम है, अंडर आई जेल है, और स्किन रिपेयरिंग क्रीम है, शैम्पू वगैरह है, शेविंग जेल है, कंडीशनर है, उसके अलावा मॉइस्चराइजर, हैंड वॉश, आयु हील आता है हमारी एड़ियों के लिए जो एड़ियां फट जाती हैं, तो नासिका आता है नेजल स्प्रे हमारी सर्दी जुकाम हो जाता है उसके लिए, आई एनर्जी आता है आंखों के लिए, आई टॉनिक है ये। उसके बाद में आता है 9E5 जो कि एक प्रीमियम हेल्थ ड्रिंक है, वर्ल्ड का पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जो कि हमारे शरीर की ओवरऑल रिपेयरिंग करने का काम करता है।
इसके अलावा डाइबा लाइफ आता है डायबिटिक लोगों के लिए, प्रोटीन पाउडर आता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट करने के लिए पूरा, न्यूट्री लाइफ आता है बैलेंस न्यूट्रिशन फॉर कंप्लीट हेल्थ, आज हमारे खाने में जिन चीजों की पूर्ति नहीं हो पा रही है ये उन सब चीजों की पूर्ति करता है। इसके अलावा कवच प्यास आता है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ये इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। ऑन एंड ऑन स्पिरुलिना गोल्ड आता है हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है, कमजोरी थकान कुछ भी नहीं होने देगा ये। हमारी एग्रीकल्चर की कंप्लीट रेंज आती है जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, बहुत ही शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट्स तैयार किए गए हैं हमारे फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। इसके अलावा ये हमारे हमारे घरेलू यूज के सारे आइटम है, टॉयलेट क्लीनर है, बर्तन साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, किचन के कुछ आइटम है, बाथरूम के काफी सारे आइटम्स हैं, तो ये हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। और जैसे जैसे रिसर्च कंप्लीट होती जा रही है नए नए प्रोडक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड की। तो देखिए यदि मैं ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं तो इस कंपनी को इन प्रोडक्ट्स के साथ में काम करते हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं, 11वां साल चल रहा है, और 11 साल के अंदर इस कंपनी ने बहुत बड़ा एक प्रोफाइल तैयार किया है जिसमें कि आज इनके पास एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी आज महीने की इनकम लगभग 1 करोड़ रुपए है, आज लगभग 2 लोग ऐसे हैं जो 60 लाख 70 लाख रुपए महीने का ले रहे हैं, आज लगभग 28 लोग ऐसे हैं जो दिन का लगभग 1 लाख रुपए लेते हैं, इसके अलावा 850 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक हफ्ते की इनकम 2,10,000 रुपए ले चुके हैं, 850 से ज्यादा लोग, इसके अलावा 90,000 से ज्यादा रैंक अचीवर्स हैं, ज्यादा अवार्ड रिवार्ड अचीवर्स हैं, और 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कंपनी ने 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल कवर किया हुआ है, यानी इन केस कल को उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो उनके घर वालों को कंपनी 3 लाख से लेकर 7 लाख रुपए एज पर देयर रैंक उनको पैसा देगी। उसके बाद 14,000 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर्स हैं जो लोग पिछले 10 साल में फॉरेन घूम के आ चुके हैं, और 75,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कंपनी के माध्यम से स्किल इंडिया का एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। इसके अलावा हम बात करते हैं कंपनी की अवेलेबिलिटी कहां कहां पर है, तो आज हमारे प्रोडक्ट्स की और सर्विस की अवेलेबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी और भुज कच्छ से राजस्थान सब जगह पर हमारी अवेलेबिलिटी है, पूरे हिंदुस्तान में आज हमारा बिजनेस है, ऑनलाइन ऑफलाइन इस बिजनेस को आप कहीं भी कर सकते हो। और एजुकेशन के लिए कंपनी ने एक बहुत ही शानदार सिस्टम डेवलप किया हुआ है जिसका नाम है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी, ये एक ट्रेनिंग एकेडमी है जो पूरे देश भर में हर लोकल लैंग्वेज में लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग देने का काम करती है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने ही एक बहुत ही शानदार एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है जिसका नाम है MIDZ वर्ल्ड, जिसके माध्यम से भी हम लोग ट्रेनिंग लेकर के इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोफाइल। अब बात आ जाती है कि स्टार्ट कैसे करना है, तो देखिए स्टार्ट करना बहुत आसान है, या काम स्टार्ट करने के लिए सिर्फ 3 चीजें करनी होती हैं, परचेज, यूज एंड रिकमेंड। जैसे हम परचेज करते हैं हम एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमें ये 6 तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट होता है रिटेल बेनिफिट, रिटेल इनकम। ये वो इनकम है जो अक्सर आज सभी दुकानदार लोग ले रहे हैं, सामान को सस्ता लेके आना उसको MRP पे सेल कर देना। आपको भी यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के ऊपर, और जो लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है आप उनको MRP पे अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं, और DP और MRP के बीच में 10-40% का मार्जिन है डिफरेंस। जैसे कि आप एक एग्जांपल दिया है वेलहर्ट कैप्सूल का, वेलहर्ट जिसकी DP है 540, MRP है 725, यानी एक बोतल के ऊपर आप 185 रुपए कमा सकते हैं, तो ये रिटेल बेनिफिट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट बेनिफिट होता है सेल्स टर्नओवर बोनस, ये अगली इनकम है। इसमें कंपनी कहती है आपके और आपकी टीम के माध्यम से जितना भी टर्नओवर होगा 100 रुपए के ऊपर 75 बिजनेस वॉल्यूम काउंट होगा, और इस बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग का 12% आपको एवरी वीक मिलेगा। अब ये मैचिंग क्या होती है, कंपनी कहती है जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा आपकी 2 टीम बना दी जाएंगी, Organization 1 Organization 2। सपोज कीजिए आपके 3 फ्रेंड है, अमर, अकबर, एंथनी। अमर को Organization 1 में प्लेस कर दिया, अकबर एंथनी को Organization 2 में रजिस्टर कर दिया, और इन तीनों ने आपके कहने से कुछ शॉपिंग कर ली,
अकबर ने 10,000 बिजनेस वॉल्यूम का माल ले लिया, अमर अकबर और एंथनी ने 5-5 हजार का ले लिया, यानी अमर ने 10,000, अकबर एंथनी ने 5-5 हजार, तो आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस हुआ 10-10 हजार का, या मैचिंग मानी जाएगी 10,000, और 10,000 की मैचिंग का 12%, 1200 रुपए कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। इसी तरीके से अगले हफ्ते इन लोगों ने काम किया, तो जब इन लोगों ने काम किया तो इन लोगों को इनके जो बिजनेस हुआ है इनकी मैचिंग का 12% इन लोगों को मिल जाएगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो काम इन लोगों ने किया है वो आपके लिए भी काउंट होगा, और इनकी मेहनत के ऊपर 12% यानी 44,000 की मैचिंग का 12% 5,280 रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टीम वर्क। और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ेगी टर्नओवर बढ़ेगा, 1-1 लाख का टर्नओवर हो गया किसी पर्टिकुलर वीक में तो आपको उसकी मैचिंग का 12% 12,000 रुपये आपके घर आ जाएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर क्या पॉसिबल है दोनों साइड में बिजनेस इक्वल चले, कम ज्यादा भी हो सकता है। सपोज कीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन वन में 1.25 लाख की सेल हुई, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन टू में 1.5 लाख की सेल हुई, तो ये जो यहाँ पे मैचिंग मानी जाएगी 1.5 लाख, जो कम वाला फिगर है, कितनी मानी जाएगी 1.5 लाख, चल जो कम वाला फिगर है, और 1.5 लाख का 12% 18,000 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो 25,000 बच गया वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड आगे के लिए, यानी वो कभी भी लैप्स नहीं होगा। जैसे अगले हफ्ते मान लेते हैं 2.25 लाख की सेल हुई ऑर्गेनाइजेशन वन में, 2.90 की सेल हुई ऑर्गेनाइजेशन टू में, तो 25,000 पहले का जुड़ गया 2.5 लाख हो गया। अब 2.5 लाख की मैचिंग का 12% 18,000 आपको आ जाएगा, सॉरी 30,000 आपको आ जाएगा, और जो बच गया 40,000 वो आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब एक सवाल आता है कंपनी इस तरीके से पैसा देगी तो देगी कहाँ तक, कोई तो लिमिट होनी चाहिए। तो कंपनी ने यहाँ पर एक मैक्सिमम इनकम लिमिट लगाई हुई है। कंपनी कहती है कि हम आपको एक रजिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सेल्स टर्नओवर बोनस दे सकते हैं 2,10,000 रुपया, एक हफ्ते का 2,10,000, महीने का 8,40,000, साल का 1,09,00,000। ये एक रजिस्ट्रेशन की सेल टर्नओवर बोनस की लिमिट। इससे ज्यादा पैसा कमाना है तो हम एक ही पैन कार्ड पे 3 रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लियर है? चलिए, इसके बाद कंपनी आपको देती है परफॉर्मेंस एंड स्टार परफॉर्मेंस बोनस। कंपनी कहती है यदि आप अपनी टीम के साथ मिलकर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो 1-1 लाख का टर्नओवर भी आपका हो जाता है पूरे महीने में कम टीम के साथ मिलकर, तो कंपनी के टोटल टर्नओवर का 1.5% निकालकर सभी अचीवर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये लगभग 5-6 हजार रुपये महीने का एक बोनस चलते रहता है, तो ये एक एडिशनल इनकम है। साथ ही कंपनी आपको देती है रैंक इनकम। जैसे जैसे आपकी टोटल टीम का टर्नओवर बढ़ते जाएगा आपको कुछ रैंक्स मिलते जाएंगे, और वो रैंक के आधार पर आपको 2 से लेके 7% आपको रैंक इनकम अलग से मिलेगी एवरी मंथ। रैंक इनकम 2 to 7%, राइट। इसके अलावा कंपनी आपको देती है लॉयल्टी बोनस। कंपनी कहती है आपकी टोटल टीम जितना भी रीपर्चेज कर रही है, यदि वो कंपनी वो रीपर्चेज आपका एक टारगेट होता है उसको फुलफिल करती है, तो कंपनी 5,000 से लेके 20,000 रुपये महीना आपको लॉयल्टी बोनस अलग से देती है, यानी मैचिंग का 12% भी मिलेगा, परफॉर्मेंस बोनस ले रहे हो तो वो भी मिलेगा, और साथ में आपको लॉयल्टी बोनस भी मिलेगा, आप रैंक इनकम ले रहे हो तो रैंक इनकम भी मिलेगी, राइट। इसके अलावा कंपनी आपको देती है रॉयल्टी। देखिए अजय भाई, अभी तक रॉयल्टी किस किस को मिलती है थी? हम जानते हैं रॉयल्टी मिलती है साइंटिस्ट को, ऑथर को, सिंगर को, यहां आप भी रॉयल्टी इनकम ले सकते हैं। अभी रॉयल्टी इनकम कैसे? देखिए एक्चुअली कंपनी कहती है जब आपका 20 करोड़ का बिजनेस कंप्लीट हो जाएगा, 4 लेग में 5-5 करोड़, तो कंपनी आपको डायमंड रॉयल्टी देगी कंपनी के टर्नओवर के ऊपर, जो आज की तारीख में अप्रोक्सीमेट करीब 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास चल रही है, यानी साल का पकड़ के चलो तो 30-35 लाख रुपए तो सिर्फ रॉयल्टी रॉयल्टी का हो गया, राइट। इसके अलावा कंपनी आपको रिपर्चेस बेनिफिट भी देती है, और रिपर्चेस बेनिफिट भी सेम है मैचिंग का 12%, यानी आपकी टोटल टीम जब जब अपने घर के लिए सामान खरीदेगी आपको उनकी खरीदारी के ऊपर मैचिंग का 12% मिलता रहेगा, चाहे आप काम करो या मत करो, राइट। और एक चीज यहां पे और बहुत इंपॉर्टेंट मिलती है जो दुनिया का कोई बिजनेस नहीं दे सकता,
वो है नॉमिनेशन फैसिलिटी। अच्छा भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आज की तारीख में हम लोग कोई भी काम क्यों करते हैं? अपने परिवार के लिए, फैमिली फ्यूचर के लिए के लिए, फ्यूचर के लिए, राइट? आज हम पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से हमारे घर के सारे खर्चे चल रहे हैं। पता है प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम जब आती है, सोच के देखो, जब एक काम करने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, जो इनकम का जो सोर्स था, जो इनकम कर रहा था, जब वो व्यक्ति इस परिवार में नहीं रहता है ना, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि खर्चे तो वहीं के वहीं रहते हैं, सिर्फ इनकम बंद हो जाती है। लेकिन हमारे बिजनेस की खासियत क्या? हमारे बिजनेस में है नॉमिनेशन फीचर, यानी आपने इस बिजनेस को यदि एक बार मन लगा के खड़ा कर दिया, सिर्फ एक बार इस बिजनेस को मन लगा के खड़ा कर दिया, और कल को खुदा न खास्ता अपने साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो ये बिजनेस खत्म नहीं होता, ये बिजनेस हमारे बाद हमारे नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। और कल को यदि नॉमिनी के साथ भी कोई मिसहैपनिंग हो गई, तो ये बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाता है। ये है इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती, कि ये बिजनेस जब हम हैं तब भी हमारा फैमिली सेफ है, सिक्योर है, और यदि हमें कुछ हो जाता है तो भी हमारी फैमिली कंप्लीटली सिक्योर रहती है इस बिजनेस के माध्यम से। अभी आप एक चीज सोच रहे होंगे कि ये सारी की सारी फैसिलिटीज कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये प्रोवाइड करने वाली आपको इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी कंपनी है, इस कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कंपनी आज ISO सर्टिफाइड है, फिक्की की मेंबर है, FDSA की मेंबर है। अब ये सारे के सारे बेनिफिट लेने के लिए आप सोच रहे होंगे, अब करना क्या है मुझे? तो अजय भाई, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, वो है एक पॉजिटिव डिसीजन। क्योंकि कहा जाता है कामयाबी और नाकामयाबी, इन दोनों शब्द के बीच में सिर्फ एक ही शब्द का फासला है, वो है आपका एक पॉजिटिव निर्णय। जेडी हॉस्टन कहते हैं, हमें लाइफ में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला, तो फिर हमें लाइफ में वो करना पड़ेगा जो आज तक कभी नहीं किया। तो आप एक पॉजिटिव डिसीजन लीजिए, बिजनेस की शुरुआत कीजिए। मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू। तो ये है पूरा का पूरा बिजनेस प्लान अजय भाई, जो मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया, और ये मैंने इस तरीके से शेयर किया है कि आप इसको खुद भी समझ सकें और फिर आप दूसरे लोगों को भी इस प्रेजेंटेशन को दिखा सकें।